जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब का शुक्रिया, शहाद साहब पार्टी ए के प्रेसिडेंट और बशारत बिन कादिर साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है एसएमसी में। हमने जैसा कि कल अर्ज किया था कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अपने ग्रुप से प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। हम सब पूरी टीम नहीं बैठेंगी, सिर्फ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने ग्रुप्स के, वो बैठेंगे। हम मुख्तलिफ तंजीमों से हैं, मैं अपनी पार्टी में हूँ, हमारे अपनी पार्टी के कॉरपोरेटर हैं, शफात साहब पार्टी ए के प्रेसिडेंट हैं, वो 12 कॉरपोरेटर हैं जो कांग्रेस से स्प्लिट होकर एक पार्टी बनी थी, इमरान साहब के अपने ग्रुप ऑफ कॉरपोरेटर्स हैं, और बशारत बिन कादिर साहब कांग्रेस में हैं, लीडर ऑफ मोशन है, इनके अपने कॉरपोरेटर। जो पिछली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की हुई, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई। वजाहतन जैसा कि हमने यहाँ पे अर्ज किया था, स्क्रिप्ट सेम है, वो बीजेपी की ऑफिशियल है प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनऑफिशियल है, वो हमारा न उसमें कोई अमलो दखल है, न वो हमारा फैसला है, लेकिन बीजेपी ऑफिस में कुछ एक दो फर्द ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसका स्क्रिप्ट सेम था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्क्रिप्ट। मैं पहले आपको बता दूं, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बार बार इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स बताया जाता है, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स जी 50 हैं, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स जी इतने हैं। मैं आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहले स्ट्रेंथ बता दूं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक 12 से 14 कॉर्पोरेटर हैं। 12 ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है, 12 ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है, 2 उनके साथ मुंसलिक हैं। ये ज्वाइन उनने अपने ख्वाब में नहीं किया है, उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब के सामने ज्वाइन किया है, वो मैं भी उसका पूछ लूँ। उमर अब्दुल्ला साहब ने उनको पार्टी में एडमिट किया, वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स थे बाईकॉट में, फिर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। अब एक सूरत हाल बनी है, हर 6 महीने बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हमारे कॉरपोरेटर है, फिर 2 महीने बाद कहती नहीं हमारे तो है नहीं, वो पीरियोडिकली इनको ओन भी करती है और पीरियोडिकली इनको डिसओन भी करती है। ओन तब करती है जब उनको फायदा होता है, और डिसओन तब करती है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने कॉर्पोरेटर्स कहीं पे किसी और तंजीम के साथ मुंसलिक करने होते हैं अपने फायदे के लिए, और फिर कहती नहीं हमारे तो है नहीं। 14 मैंने आपको कहा, 12 और 2 उनके साथ मुंसलिक है, 14 कॉर्पोरेटर एनसी के, बीजेपी के 8 या 9 शायद, 7 कॉर्पोरेटर्स हैं बीजेपी के। फिर कांग्रेस के कॉर्पोरेटर हजरात हैं जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन उनके लीडर बशारत साहब, उसके बाद पार्टी ए जो कांग्रेस से टूट के बनी थी उसके 12 कॉर्पोरेटर्स, जो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया था, जिसमें एक डिसीजन भी आया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कि एक नई पार्टी बनी, अपनी पार्टी के अभी 9 कॉर्पोरेटर्स हैं। इसको जब सब आप मैथमेटिकली देखते हैं वहां पे ये जो पूरा नंबर बनता है करीब 25-27 कॉर्पोरेटर इंडिपेंडेंट कोट अनकोट रहते हैं, उसमें भी डिफरेंट फैक्शन है, डिफरेंट अफिलियेशन है। कोरम जो ये बार बार बात करते हैं, अजमे एतमाद 2 कॉन्फिडेंस मोशन, इसका कोरम 54 है 72 में से, 72 में से 54 इनका कोरम है। तो उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बीजेपी को, सब तंजीमों को इकट्ठे होना पड़ेगा। खास तौर जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी इकट्ठे नहीं आएंगे तब तक ऐसी कोई मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लेकिन जब इनको ये समझ आता है कि मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कहते हैं हमारा तो एक ही बंदा है, वो 12 तो है नहीं टिकट पे। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, मैं आपको प्रेस स्टेटमेंट दिखाऊंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल, जहां उन्होंने उन 12 को अपनी पार्टी में